हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती न्यू नोटिसेज रिलीज हुए हैं। दो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से लगभग ऑल सब्जेक्ट हैं, पीजीटी, डीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कोचेज, नर्स, काउंसलर, कहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी रिक्वायरमेंट है, योगा टीचर, एक्सपर्ट्स, क्लासिकल डांस, फोक डांस, तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। दो अलग अलग स्कूल से आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ये नोटिसेस कौन से स्टेट से हैं, कौन सी जगह से। अगर आपके यूज की हो तो आप आगे वीडियो को देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल कवर करेंगे। कई जगह पे ऐसा होता है कि डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के दिन ही जाना होता है, और कई जगह ऐसा होता है कि पहले आप एप्लीकेशन कर दें गूगल फॉर्म से, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन स्कूल में सबमिट कर दें और फिर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए आएं। तो पहले लोकेशन हम देखेंगे और उसके बाद जॉब की लोकेशन और स्कूल की लोकेशन, उसके बाद बाकी की डिटेल कवर करेंगे। जिनके यूज की होगी वो वीडियो को एंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट स्कूल जहाँ से वैकेंसीज आई हैं और हम कवर करेंगे इस वीडियो में, उसमें पीजीटी ऑल सब्जेक्ट है, लगभग टीजीटी ऑल सब्जेक्ट है, और पीआरटी की वैकेंसीज है, एक्टिविटी टीचर, कोचेस, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर। ये फर्स्ट वैकेंसी आई हुई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गांधीनगर जम्मू से। तो पहली जो वैकेंसी है वो जम्मू से, अगर आप जम्मू के हैं तो आप ये डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसमें कैसे एप्लीकेशन करनी है या डायरेक्ट वॉक इन, ये बाद में कवर करेंगे। पहले दूसरी वैकेंसी कहाँ से आई है वो चेक कर लेते हैं। सेकेंड वैकेंसी में भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकेंगे स्क्रीन पर, पीजीटी, टीजीटी के काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद पीआरटी के पोस्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, एक्सपर्ट इन क्लासिकल डांस, फोक डांस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, नर्स, काउंसलर, योगा टीचर एटसेट्रा। तो ये दूसरी वैकेंसी कहाँ से आई है वो भी चेक कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी आई हुई है केंद्रीय विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से, mughalsarai.kvs.ac.in, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है, पहली वैकेंसी जम्मू एंड कश्मीर से। अब कवर कर लेते हैं कि क्या इसमें डिटेल्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाली वैकेंसीज आती है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज है, इनकी इंटरव्यूज ऐसे भी जाकर आप अपियर होके एक्सपीरियंस के लिए जरूर जाएं, जॉब के लिए ना सही लेकिन एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि इनकी जो पैनल होती है, इंटरव्यू का तरीका होता है वो सेंट्रलाइज स्कूल का, केंद्रीय विद्यालय का है, तो इसका जो एक्सपीरियंस है आपको हर जगह काम आएगा। वहां भी काम आ सकता है, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट टीचर बनना चाहते हो, सीबीटी आपने क्वालिफाई कर लिया सेक्शन, और आप इंटरव्यू के लिए आप अपियर होने वाले हो, या नवोदय विद्यालय में आप अपियर होने वाले हो इंटरव्यू के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए जब आप इंटरव्यू ऑलरेडी फेस कर लेते हो तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहता है, ये सारी चीजें, कैसे प्रेजेंट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर, इन शॉर्ट यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज भी आती हैं, तो जरूर देखें एक्सपीरियंस लेने के लिए इंटरव्यू की जरूर जाए। तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जम्मू में कैसे करना है, 7 मार्च को पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ पोस्ट या स्वयं द्वारा 7 मार्च तक पहले इसमें आपको एप्लीकेशन भेजनी है। एप्लीकेशन फॉर्मेट हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी, अनाउंसमेंट सेक्शन में वो डाउनलोड करना है, फिल करना है। 10 onwards पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की फोटो कॉपी लेनी है, उस पर साइन करना है और वो सारे अटैच करके आपको एड्रेस पे स्कूल के भेज देना है। 7 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए, या पर्सनली भी आप जा सकते हैं अगर आसपास स्कूल है तो। और इसके बाद फिर वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। इंटरव्यू की डेट इसमें लिखी भी नहीं है या कैसा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू की डेट, रिटन टेस्ट में भी कंडक्टेड इफ नेसेसरी फॉर दिस स्कूल सी स्कूल वेबसाइट आफ्टर 9 मार्च। तो 9 मार्च के बाद कैंडिडेट हैव टू सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद दिस 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 ऑन और बिफोर 9 मार्च। तो 9 मार्च के बाद फिर आपको स्कूल के वेबसाइट पर जो लिस्ट आएगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की इंटरव्यू के लिए, वो आपको देखना होगा। चेकिंग ऑफ इंटरव्यूज डेट फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने अगर एप्लीकेशन डाला, आप इंटरेस्टेड है, तो आपको वेबसाइट बार बार चेक करना पड़ेगा, उस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का नाम अपियर होगा, उस हिसाब से आपको जाना होगा। दूसरी जो वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश से, इसमें कैसे है, डायरेक्ट जाना है या क्या। द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन 3rd मार्च। तो 3rd मार्च को इसमें लिस्ट डिस्प्ले होगी, इसमें अगर एप्लीकेशन वगैरह करनी है क्या वो चेक कर लेते हैं। फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें कोई एप्लीकेशन करनी है, बट इसमें
थर्ड मार्च के बाद इंटरव्यू की डेट डिस्प्ले हो जाएगी। तो पहले चले आते हैं मुगल सराय केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसके अनाउंसमेंट सेक्शन को चेक करेंगे। इस पे व्यू ऑल पे चेक करेंगे हम। मुगल सराय वाली ओपन नहीं हो रही है, अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करते हैं। इसके पहले केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गांधीनगर जम्मू की अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, सीरियल नंबर 1 पे पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट टीचर और ये दिया हुआ डाउनलोड कर लेना है। पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर्म दिया हुआ, ये भी डाउनलोड कर लेना है। तो ये दोनों आपको डाउनलोड करना है 21 फरवरी की डेट से। इसमें फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करके आपको पहले भेज देना है 7 मार्च या 9 मार्च तक स्कूल की एड्रेस पर। और फिर यहाँ पर ही नाम डिस्प्ले होगा, जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर वो देख के आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। दूसरा जो है वो ओपन हुआ अभी फिलहाल, पंडित दीनदयाल। इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशन है। पहले लिंक टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म ऑन और बिफोर 28 फिफ्थ, तो इसमें दीनदयाल वाले स्कूल में 28 फिफ्थ तक ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पर डिटेल्स दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आएगी। इस लिंक से पहले आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन कर देनी है इसके लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए 28 फरवरी के पहले आपको कर देनी है एप्लीकेशन। उसके बाद फिर प्रोफॉर्मा ये भी कैरी भी करना है आपको, डाउनलोड करके फिल करके सभी फोटो कॉपीज के साथ में। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, बट ओरिजिनल कैरी नहीं करना चाहिए प्राइवेट स्कूल के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर वैकेंसीज के लिए। अगर ओरिजिनल कैरी करने को कहा जाए तो कलर प्रिंट आउट रखनी चाहिए, कलर प्रिंट आउट ले लें, वो ओरिजिनल जैसी दिखती है। ओरिजिनल हमेशा सेफ रखना चाहिए, कभी सबमिट भी नहीं करना चाहिए प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें क्या क्या डाउनलोड करना है, सीरियल नंबर 1 आपको देखना है, सीरियल नंबर 2 है वो आपको डाउनलोड करना है, और सीरियल नंबर 3 लिंक टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म, ये वाले आपको लिंक से एप्लीकेशन कर देनी है। ऑफिशियल वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गांधीनगर जम्मू, ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिलेगी। साथ ही साथ आपको और भी कई सारे लिंक मिलेंगे, जैसे फेसबुक ग्रुप के, टेलीग्राम चैनल के, इंस्टाग्राम के, और तो वो सारे लिंक्स भी आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर। वहाँ काफी सारे जॉब्स में प्राइवेट की, गवर्नमेंट की, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के शेयर करती रहती हूँ आपके यूज के लिए, तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फेसबुक ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसमें देखिए कितनी वैकेंसीज है जो मैंने पोस्ट की हुई है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और कई सारे समाज पेपर, कई सारे ऐसे लीडिंग न्यूज़पेपर हैं अलग अलग जगह के, जिनकी वैकेंसीज को यहाँ डायरेक्ट शेयर कर दिया जाता है। ये आपके यूज की हो तो आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन करनी है। इसमें सिर्फ एडवर्टीजमेंट रहती है और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें स्टफ नहीं है, मतलब कोई भी वेस्ट इसमें स्टफ नहीं रहता है। तो आप ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी फेसबुक ग्रुप की लिंक शेयर कर सकते हैं, वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, सभी की लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे।